दोस्तों, जब भी आप अपने विंडोज कंप्यूटर को पावर ऑन करते हैं तो पहले आपको पासवर्ड डालना होता है, फिर आप लॉगिन कर पाते हैं। लेकिन अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि बिना पासवर्ड डाले ऑटो लॉगिन करना, तो माइक्रोसॉफ्ट का एक बहुत ही छोटा सा टूल है जिसके जरिए आप अपने विंडोज कंप्यूटर में ऑटो लॉगिन कर सकते हैं, आपको पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस टूल का यूज कैसे करना है वही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को ध्यान से देखना। तो आइए दोस्तों, आज कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, अपने विंडोज कंप्यूटर में ऑटो लॉगिन करने के लिए सबसे पहले आपको अपने ब्राउजर को ओपन करना है और गूगल में आपको टाइप करना है ऑटो लॉगिन और माइक्रोसॉफ्ट के इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। इस वेबसाइट का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, उस पे क्लिक करके आप इस वेबसाइट को डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। वेबसाइट को ओपन करने के बाद अब आपको माइक्रोसॉफ्ट के इस एक छोटे से टूल को डाउनलोड कर लेना है जिसका साइज है सिर्फ 495 KB। डाउनलोड करने के बाद अब दोस्तों आपको इस जिप फाइल पर राइट माउस क्लिक करना है और इसे अनजिप कर लेना है। अनजिप करने के बाद से दोस्तों यहीं पे आपको दिखेगा ऑटो लॉगिन 64.exe, इस पे आपको डबल क्लिक करके ओपन करना है। इस तरह से आपको ये छोटा सा पॉपअप विंडो दिखेगा, इसमें आपको लास्ट में एक ऑप्शन दिखेगा पासवर्ड, इसके अंदर आपको अपने लॉगिन पासवर्ड को टाइप करना है। इनेबल का बटन दिया है, इस पे क्लिक करके ओके पे क्लिक कर देना है। उसके बाद से दोस्तों अब आपको अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना है। रीस्टार्ट करने के बाद से दोस्तों अभी आप देख सकते हैं ये ऑटो लॉगिन हो गया है, यहाँ पे पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस ऑटो लॉगिन को डिसेबल करना चाहते हैं तो वापस आपको उसी फोल्डर को ओपन करना है, दोबारा से आपको ऑटो लॉगिन 64.exe को ओपन करना है और यहीं पे डिसेबल का बटन दिया है, इस पे क्लिक करके आपको ओके पे क्लिक कर देना है, ये डिसेबल हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो आप इसको लाइक करिए, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप मेरे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करिए। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए और साथ में दोस्तों बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि मेरे हर नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे।